बेटे पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा, भोजन कर ले। राहुल बेटे तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा, आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है, ये अमित शाह जी के जितने भी आलू है उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं, बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदारों कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खा कर आते हैं। राहुल भैया आप सुबह का खाना खा कर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खा कर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बना कर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूँगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूँगी, सुबह ही खाना बना दिया करूँगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करते हैं, सबके टोकरी में 5-5 किलो आलू है, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करते हैं। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।